दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे कमाल के पानी में चलने वाले कारों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी मिस न कर दें। ये है पैंथर। दोस्तों ये यूनिक कार कैलिफोर्निया की कंपनी वाटर कार ने डेवलप किया है। ये एक ओपन फोर सीटर कार है जो कि जीप जैसे कार मॉडल पर डिजाइन की गई है। पैंथर कार की बॉडी कार्बन स्टील की जगह क्रोमा स्टील से बनाई गई है। इस कार के नीचे वाले भाग में पॉली स्टीमर जैसे मटेरियल का यूज किया गया है जो कार को हल्का और मजबूत बनाता है। इस कार को आप पानी में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर सकते हैं, साथ ही साथ जमीन पर इसे 128 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ा सकते हैं। इस कार के डोर को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह कार पूरी तरीके से सील हो जाती है जो कि कार को जमीन से पानी में ले जाते समय हेल्पफुल होता है। इस कार को जमीन से पानी में ले जाने में मात्र 15 सेकंड का समय लगता है और इसको ड्राइव करना भी काफी इजली है और साथ ही साथ आप इसे एक पावर स्टीयरिंग की मदद से कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों इस कमाल के कार के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। ये है रेंज स्पीड क्यूबा। दोस्तों ये कार रेंज स्पीड क्यूबा कंपनी द्वारा बनाई गई एक बहुत ही शानदार कार है। यह कार पानी और जमीन दोनों पर चलाई जा सकती है। जरूरत पड़ने पर यह कार पानी के नीचे एक पनडुब्बी की तरह भी काम कर सकती है। इस कार का आइडिया जेम्स वॉर्न की एक फिल्म से ली गई है। इस कार में एक बेहद ही पावरफुल इंजन का यूज किया गया है जिसकी वजह से ये कार जमीन पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आराम से चलाई जा सकती है। अब आपको अगर समुद्र की सैर करनी हो तो इसके लिए जहाज की क्या जरूरत है, बस इस कार में बैठिए और चले जाइए समुद्र के अंदर। ये है गिब्स व्हिस्की। दोस्तों यह एक कमाल का स्कूटर है जो देखने पर एक साधारण स्कूटर की तरह ही दिखता है, लेकिन यह एक विशेष प्रकार का 55 हॉर्स पावर का द्वि सिलेंडर इंजन स्कूटर है जो केवल एक बटन दबाते ही पानी में दौड़ने वाला स्कूटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस वाहन को आप जमीन पर 128 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ड्राइव कर पाएंगे, साथ ही साथ पानी में भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला सकते हैं। जमीन से पानी में ले जाते समय बस आपको केवल एक बटन दबाना होता है, इसके बाद इसके सभी पहिए पीछे की तरफ हट जाते हैं और इसके बाद यह पानी में तैरने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। ये है सी बबल्स। पेश है आपके सामने एक और बेहतरीन पानी में दौड़ने वाला इलेक्ट्रिक कार जो फ्रांस में बनाई गई है। यह एक प्रकार का टैक्सी है जिसका बेसिक यूज पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने का है। जहां रेगुलर टैक्सी ट्रैफिक में फंस जाती है वहीं ये सी बबल्स इन सभी प्रॉब्लम से दूर है। ये पैसेंजर को तेज स्पीड पर उनकी डेस्टिनेशन के करीब पहुंचा सकती है जिससे लोगों का टाइम तो बचता ही है, साथ ही साथ उन्हें एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस का आभास होता है। एक बार चार्ज कर लेने के बाद ये टैक्सीज लगभग 100 किलोमीटर तक चलाई जा सकती हैं। फिलहाल पेरिस में इस टैक्सी को टेस्ट करा जा रहा है। ये है एटीवी समन 8x8। रूस में डिजाइन किया गया यह बेहतरीन कार 9 फीट ऊंचा, 20 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस कार में 8 पहिए लगे हुए हैं और प्रत्येक पहिया चारों दिशाओं में मूव कर सकता है। यह कार समुद्र के अलावा बड़े बड़े कीचड़ों में भी आसानी से चल सकता है। इस वाहन को आप जमीन पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला सकते हैं, वहीं अगर पानी में देखें तो पानी में आप इसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ड्राइव कर पाएंगे। ये है एम्फीबी बस। दोस्तों आपने बस से यात्रा तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी पानी में बस से यात्रा किया है? अगर नहीं तो आज कर लीजिए। ये है यूरोप में चलने वाली एक उभयचर बस जो जमीन और पानी दोनों पे चल सकता है। यह बस एक बार में 50 यात्रियों को आराम से ले जा सकता है। इस बस में एक विशेष प्रकार के 2 जल जेट इंजन का यूज किया गया है जो इसे पानी में धक्का देता है, जिसकी मदद से ये बस आगे की तरफ बढ़ता जाता है। यह बस आपको पानी में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरे समुद्र का सैर करा सकता है। वहीं यह बस सड़क पर भी 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल सकता है। ये है UHAC। पेश है आपके सामने एक और नेक्स्ट लेवल का ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जिसे US के मरीन क्रॉप्स ने डिजाइन किया है। यह वाहन बेसिकली सैनिकों के टैंकों और ट्रकों को जहाज से किनारों तक लाने का काम करता है।
यह वाहन एक बार में 200 टन तक का वजन आराम से एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जा सकता है। इस वाहन को एक विशेष प्रकार के चैन के ऊपर डिजाइन किया गया है जो इसके लिए एक पैडल का काम करती है और पानी में होने पर यह चैन उछाल को नियंत्रित करने का भी काम करती है। साथ ही साथ ये बड़े बड़े बाधाओं को भी बड़ी आसानी से पार कर सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार का व्हीकल्स तो हमारे फौजी भाइयों के पास तो जरूर होना चाहिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस बारे में आपकी क्या राय है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।